तो हमारे बनानास हो गए फ्रीज और अब हम इसे जार में डाल के करेंगे ब्लेंड। तो अब हम इसमें थोड़ा सा यूज करने वाले हैं मिल्क। हम उतना ही लेंगे जितना हमें ब्लेंडिंग के लिए चाहिए। अभी हो गया है रेडी और अब हम इसे एक छोटे से बॉक्स में रख देंगे। तो हमें इसे 1 घंटे के लिए रखना है या फिर जब तक ये फ्रीज हो सके। हाँ चलो इसे फ्रीज में रखते हैं। फाइनली मेरा इतना वेट करने के बाद मेरी आइसक्रीम हो चुकी है रेडी। तो चलो उसको बाहर निकालते हैं। वाओ और अभी अच्छे से सेट भी हो गई है। सो मेरे पास आइसक्रीम का स्कूपर नहीं है तो यही चल जाएगा। सो हाँ ये निकल गई। तो मैंने ये मम्मा की हेल्प से इसे बाहर निकाल से नहीं हो पाया था। ये कितने अच्छे से सेट हो गया है। जब हमने पहले देखा था तो ये अच्छे से सेट नहीं हुआ था लेकिन अभी ये बहुत अच्छे से सेट हो गया है। सो अब बारी इसको डेकोरेट करने की। आप इसे किसी भी तरह से डेकोरेट कर सकते। और हाँ जब आप बनानास की फ्रीज होने के बाद उसे ब्लेंड करते हैं तो आप उसमें अपनी कोई भी फेवरेट चॉकलेट भी डाल सकते हैं। फिर वो चॉकलेट चिप बनाना आइसक्रीम हो जाएगी। मैं इसे डेकोरेट करने वाली हूँ मैंगोस और रूह अफ़ज़ा से। सो सारे रूह अफ़ज़ा
सॉरी मैंगोस इस पे ऊपर से डालूंगी। और अब मैं मिडिल में रेडी हो चुकी है हमारी आइसक्रीम। वाओ ये कितनी ब्यूटीफुल लग रही है विथ मैंगोज एंड बनानास। और अब ये हेल्दी भी है, मैं भी खुश और मम्मा भी खुश। अब बारी है इसको टेस्ट करने। तो बहुत टेस्टी है, हमारी बनाना आइसक्रीम बहुत अच्छी बनी है। और ऊपर से जो हमने मैंगो का डेकोरेट किया है उसका टेस्ट तो बहुत अच्छा है। तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं।